एक स्त्री, ये स्त्री कौन है? ये आत्मा है। अच्छा हाँ। जिसका पति परदेश से आया है वो पति कौन है? जो सारे संसार का पति है परमात्मा, उसके लिए कहा। अरे तो आज ये स्त्री, ये आत्मा इस चंद्रमा से विनती कर रही है, गुजारिश कर रही है, वंदना कर रही है। कहे चंद्रमा, आज मेरे पिया आ गए हैं मुझे मिलने दे, तुम बादलों की ओट में छिप जाइए। तो क्या कहती है? अरे चंदा बेरी, तूने कछि पी जई ओ बदरिया, बदरिया की ओट और बदरिया की ओट रे बतरायलूं, मैं अपने देखी बालामा ते। बदरिया की ओट रे बतराई, अपने बालामा ते हो। कि मेरो परदेस न ते आयो, मेरो परदेस न ते पटाय लूं गोरे बादाना ते। अरे मेरो परदेसन थे आयो, बलम भरतार रीच पटाय लूं गोरे धड़ाप। अब तक तो उसने चंद्रमा से विनती की, लेकिन क्या देखती है? एक दीपक जलता हुआ नजर आता है उसे। वाह बेटा। उस दीपक से क्या कहती है? अरे दिवाला। वाह भैया, बहुत बढ़िया। उसकी बात को सुनकर के वो दीपक क्या जवाब देता है? कि लाड़ो तुम खेलो अपने खेल, सखीर तुम खेलो अपने खेल, हम तो अपने ही आप भोजेंगे। देखिए, आपने सुनी साखी। सुन सुन बेटा भैया, अब गुरुजी साखी का उत्तर साखी से ही देंगे और झड़ाव से ही देंगे। अच्छा चलो देखें। हाँ हाँ भैया, छोटे भैया ब्रजमोहन,
अब मैं ही सुना रहा हूँ। हट, वो है जिसका पति परदेश से आ गया है। हाँ भैया, तो वो है ब्रजमोहन जिसका पति देश में ही है। तो वो औरत अपने सहमेले पर चढ़कर केस सुखा रही है और वो कह रही है, सोच रही है, मेरे पति कब आमे। पति इसमें उसको ही कहा जो सारे संसार का पति है। जय हो, पति ये कोई हुआ। हाँ, और हवा चल रही है, हवा चलने लगी है। हाँ बेटा, मैं बता इशारा करता रहा हूँ, बहुत मीठा ही।